नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश के स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। इससे पहले की खबरों से रूबरू हूं, आइए रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नाजुक, दिल्ली के एम्स में इलाज जारी, थोड़ी देर में जारी हो सकता है मेडिकल बुलेटिन। मध्य प्रदेश में अब शहीदों की सम्मान राशि में माता पिता का भी हक, सम्मान राशि का 40% और 5,000 रुपए पेंशन का ऐलान। एमपी विधानसभा चुनाव में अपराधी नहीं डाल पाएंगे वोट, वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे गैर जमानती वारंटियों के नाम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांता राव ने की पुष्टि। विलफुल डिफॉल्टर मामले में मंत्री सुरेंद्र पटवा की सफाई, कहा बैंक कार्ड चुकाएंगे पाई पाई, बदनाम करने की चल रही साजिश। शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वाटरफॉल से सुरक्षित निकाले गए सभी पर्यटक, रात 2 बजे तक चला सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई लोग रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नाजुक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज सुबह ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वाजपेयी का हाल जानने पहुंचे। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम लगातार वाजपेयी के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है। एम्स की ओर से बुधवार शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि उनकी हालत नाजुक है, पिछले 24 घंटे में उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है, उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार शाम एम्स पहुंचकर वाजपेयी का हाल जाना था। पीएम मोदी करीब 50 मिनट तक एम्स में रहे। प्रधानमंत्री के अलावा कई और केंद्रीय मंत्रियों ने अस्पताल जाकर वाजपेयी के हेल्थ की जानकारी ली। पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर वाजपेयी की दीर्घायु होने की कामना की। वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में लोग दुआएं कर रहे हैं। वाजपेयी के परिवार के नजदीकी लोग भी एम्स में ही डटे हुए हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी डेमेंशिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और 2009 से ही व्हीलचेयर पर हैं। कुछ समय पहले भारत का सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वो बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 25 दिसंबर 1924 में जन्मे वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए 1942 में भारतीय राजनीति में कदम रखा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलामती के लिए राजधानी में रुद्राभिषेक शुरू हुआ। अटल जी का इलाज दिल्ली एम्स में 66 दिनों से चल रहा है। अटल जी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसकी सूचना पर पूरे देश में उनके स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने शिव रुद्राभिषेक की शुरुआत की। मंदिर में पहुंचे लोग ईश्वर से अटल जी को स्वस्थ करने की प्रार्थना कर रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी देश का 72वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी जिलों में झंडा वंदन किया गया। वहीं भोपाल में झंडा वंदन समारोह लाल परेड ग्राउंड में हुआ, जहां सीएम शिवराज ने झंडा वंदन किया। इस दौरान राज्य पुलिस द्वारा परेड भी की गई। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सीएम शिवराज ने किसानों से जुड़ी कई बातें सामने रखी। किसानों के अलावा उन्होंने कहा कि शहीद के माता पिता के लिए आजीवन 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, जिससे वो अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सके। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि अब कोई स्कूल बंद नहीं होगा, एक परिसर एक शाला में विचार पर आगे बढ़ा जाएगा। सभी को संबोधित करते हुए सीएम ने जय मध्य प्रदेश का नारा दिया। शिवराज ने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, अपना सर्वस्व लुटाया, उन्हें श्रद्धांजलि उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि हम आजाद हुए। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम रोजगार के अधोसंरचना के विकास के साथ रोजगार से अधिक अवसर सृजित करने पर कार्य कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 59 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लाल परेड ग्राउंड से एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान में उन्होंने कहा है कि अब शहीदों की सम्मान राशि में माता पिता का भी हक रहेगा। सीएम ने ऐलान किया कि शहीदों के माता पिता को सम्मान राशि का 40% और 5,000 रुपए पेंशन भी मिलेगी। यहाँ शहीद सैनिकों के माँ बाप सहित परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने शहीद सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, जिसमें उनके माता पिता को 40 लाख रुपए और पत्नी को 60 लाख रुपए देने की व्यवस्था करेंगे, जिससे माता पिता को वृद्धावस्था में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रमुख दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग के नए फरमानों से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। हाल ही में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांता राव ने कहा है कि प्रदेश में जितने भी मतदाताओं के खिलाफ 6 महीने से गैर जमानती वारंट लंबित हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे, अब वो वोट नहीं डाल सकेंगे। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 80,000 से अधिक मतदाताओं के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी है और वो सभी 6 महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। आयोग ने इससे पहले भी 24 लाख से ज्यादा बोगस वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। पार्टियां पहले से ही मतदाताओं को लेकर होमवर्क कर चुकी थीं और अपनी रणनीति बना चुकी थी, लेकिन वोटर्स की लगातार कम होती संख्या से दलों का गणित बिगड़ना तय माना जा रहा है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाने को लेकर पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने सफाई दी है। इस पर बोलते हुए सुरेंद्र पटवा ने कहा है कि उन्हें नोटिस मिल चुका है, उन्होंने इसको लेकर जवाब भी दिए हैं। उनके वकील ने बैंक के एमडी और ईडी से मुंबई में चर्चा की है, वे बैंक को सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि 21 मार्च को उन्होंने 5 करोड़ जमा कर दिए हैं और उन्हें 15 दिन की मोहलत मिली थी, जल्दी बैंक की पाइपलाइन चुका देंगे। उन्होंने कहा कि ये सब उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी पर्यटक ग्वालियर के बताए जा रहे हैं। देर रात तक चले इस रेस्क्यू में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि बहने वालों को खोजने का सर्चिंग जारी है। जैसे ही लोगों के वाटरफॉल में फंसे होने की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन के आला अफसर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। सभी लोगों का मेडिकल कराया गया है, सभी की सेहत बेहतर है। अंधेरा होने की वजह से बचाव दल को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से अचानक सुल्तानगढ़ वाटरफॉल में तेज बहाव आ गया था। यहां पिकनिक मनाने आए लोग संभल नहीं पाए और चारों ओर से पानी से घिर गए। आशंका है कि पर्यटक सेल्फी लेने के चक्कर में वाटरफॉल के नजदीक चले गए थे। तेज बहाव आते ही एक दर्जन से अधिक पर्यटक 100 फीट ऊंचाई पर बने वाटरफॉल से नीचे खाई में जा गिरे और बहाव में बह गए। पानी में बहे लोगों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। सर, ये जो रेस्क्यू, ये जो यहाँ बाढ़ में लोग फंसे हैं, ये कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग बह चुके हैं अभी तक? 5 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों को लोकल अदालत रेस्क्यू किया गया था, 7 लोग रेस्क्यू हुए हैं, 34 लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और जो पहले की जानकारी है, जो लोग रेस्क्यू होकर के ग्वालियर पहुँचे, उन्होंने बताया तो हमने 5 लोगों को बहते हुए देखा। सर, अभी तक हेलीकॉप्टर के बाद अभी क्या क्या जानकारी मिली? स्थिति निश्चित रूप से सभी लोग उसको लेकर चिंतित हैं, और जैसा कि आप सब लोगों को ध्यान में, यहाँ पूरा प्रशासन है, दोनों जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी यहाँ पर उपस्थित हैं, एसडीआरएफ के लोग प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी बात की गई थी तो हेलीकॉप्टर आया, एक बार उन्होंने रेस्क्यू किया है, लेकिन अभी 34 लोग और अंदर हैं और हम लोगों की कोशिश है कि जल्दी से परिस्थिति नियंत्रित हो
जैसे जल स्तर कम होगा तो फिर जल की स्थिति को देखकर और अलग प्रकार की कार्रवाई भी शुरू करें। प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है कि कितने लोग इस हादसे में बह गए हैं, कितने लोग? मैं समझता हूँ कि अभी कोई बहा इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। जितनी बातें हैं, जितने लोग हैं, तो सभी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन पहली हमारी कोशिश है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको कैसे भी निकाला जाए। रात में हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, रात में कौन सा हेलीकॉप्टर आ सकता है, दोबारा आए कर सकेगा? मुझे लगता है कि इस मामले में बातचीत हो रही है एयरफोर्स से अभी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से रेप की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के कटनी जिले की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें 5 दिन के अंदर कोर्ट ने रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई। कटनी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधुरी राज लाल ने ऑटो चालक और रेप के आरोपी राजकुमार को सिर्फ 5 दिन की सुनवाई में ऐतिहासिक फैसला देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। मध्य प्रदेश में रेप का यह पहला मामला है जब कोर्ट ने इतनी जल्दी फैसला दिया है। मध्य प्रदेश में बोगस वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए करीब 13 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया है। आयोग की यह कार्रवाई 19 जनवरी 2018 से लेकर 31 जुलाई तक की है। आयोग के अनुसार प्रदेश में 5,07,00,000 मतदाता थे, जो कार्रवाई के बाद 4,94,00,000 बचे हैं। फर्जी वोटर्स की पहचान के लिए अभी भी कार्रवाई जारी है, जो 31 अगस्त तक चलेगी। आयोग आचार संहिता लागू होने से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करना चाहता है। चुनाव आयोग ने सख्ती करते हुए नेताओं की गाड़ियों से तत्काल हुटर हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयकर विभाग, आबकारी पुलिस और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो अभी से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के खर्च का ब्यौरा रखना शुरू कर दें। रीवा में मनचाहा स्कूल नहीं मिलने के चलते अभिभावक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद भी अभिभावक बैकफुट पर आ गए हैं। नतीजा, स्कूलों में 2000 से अधिक सीट खाली रह गई हैं। वहीं शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक बच्चों का निःशुल्क प्रवेश कराने के बाबत 7,140 अभिभावकों ने आवेदन तो किया, लेकिन प्रवेश केवल 5100 ने ही लिया। नतीजा, 2,040 सीट खाली रह गई हैं। गौरतलब है कि जिले के 1,137 स्कूलों में 12,500 सीट निशुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित की गई हैं। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्र कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्र छात्राओं के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी और भाजयुमो जिला अध्यक्ष अंकुर शुक्ला के समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि कुछ समय बाद गिरफ्तार किए छात्र छात्राओं को छोड़ दिया गया। प्रदेश के 24,000 से अधिक साक्षरता संविदा प्रेरक शिक्षकों को रातोंरात सेवा से बाहर कर दिए जाने पर अब प्रेरकों के परिवार की स्थिति बिना रोजगार के दयनीय होती जा रही है। अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर प्रेरकों ने कलेक्ट्रेट में मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल सेवा बहाली की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सेवा बहाली नहीं हुई तो प्रदेश की बीजेपी सरकार और बाद में केंद्र सरकार को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा जलाई गई संविधान की प्रतियों के विरोध में श्योपुर में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें संबंधितों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ देशद्रोही असामाजिक तत्वों और कथित संगठनों द्वारा देश के आधार स्तंभ भारतीय संविधान की प्रतियां खुलेआम जलाई गईं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संबंध में अमर्यादित टिप्पणियां की गईं। ऐसे में इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे।
रतलाम में बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि सोयाबीन फसल के नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। सरकार ने बीमा क्लेम वितरण में भी भेदभाव अपनाया है। बड़े किसानों का नुकसान कम हुआ है, लेकिन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिनका असल में नुकसान हुआ है, उन किसानों की राशि नहीं मिली है। अगर बीमा राशि का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दमोह के पास बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खोजाखेड़ी गांव की महिला पति के साथ अपने नाती का इलाज करवाने गई थी, तभी रास्ते में कुत्ता बाइक से टकरा गया, जिससे बाइक असंतुलित हो गई और पीछे बैठी महिला गिर गई, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय महिला के गोद में उसका नाती भी था, जो सुरक्षित है। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या कर दी गई। अपनी पत्नी, बेटे बेटी और साली के साथ रह रहे प्रॉपर्टी ब्रोकर के घर में घुसकर हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये सभी परिजन हत्या के दौरान घर में ही मौजूद थे, लेकिन किसी को भी इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। किसी ने भी हत्यारे को घर में प्रवेश करते या भागते नहीं देखा। मृतक की पत्नी सुमन ने बताया कि वो देर रात अपने बेटे को बाथरूम कराने के लिए निकली तो हॉल में एक बैग मिला। बैग देखकर वो हैरान रह गई और इस संबंध में पति को जगाने पहुंची तो देखा कि उनका चेहरा खून से सना था, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को घर से एक बैग मिला है, जिसमें दो जीन्स और एक गिफ्ट मिला है, जिस पर विच दिव्या लिखा हुआ है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सागर में सिविल लाइन कॉलोनी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ये शहर की पॉश कॉलोनियों में से एक है। यहाँ शहर के नामी लोगों के साथ ही बिजनेसमैन और अधिकारियों के भी घर हैं। निगम द्वारा किसी तरह की सफाई नहीं कराई जाती है। नालियों में गंदा पानी जमा हो गया है। चारों तरफ कचरे का अंबार है। इस व्यवस्था को सुधारने नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्योपुर में अच्छी बारिश के लिए सलापुरा के ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ जातखेड़ा माता की पदयात्रा निकाली और माता मंदिर पर झंडा चढ़ाकर माता रानी से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। ये पदयात्रा सलापुरा स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर से विधिवत ध्वज पूजन के साथ आरंभ हुई। गाजे बाजे के साथ रवाना हुई इस पदयात्रा में श्रद्धालु महिला पुरुष नाचते गाते और माता रानी के जयकारे लगाते हुए माता के दरबार पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के साथ झंडा चढ़ाकर पदयात्रा का समापन किया गया और अच्छी बारिश और क्षेत्र की खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ।